गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम संगठन की मैथ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। संगठन कई युगों से चलता आ रहा है, किंतु प्रारंभिक समय में इसका समाज का कोई विशेष महत्व नहीं था, किंतु आधुनिक समय में संगठन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो स्वयं समाज को प्रभावित करते हैं और समाज भी इनके द्वारा प्रभावित होता है। इसी कारण आज हमारे समाज को संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी, समाज के लोगों को संगठनात्मक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशनल मैन कहकर पुकारा जाता है। अमिताई इटजियोन कहते हैं, हम संगठन में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उनमें से अधिकांश लोग अपना अधिकांश जीवन संगठन में ही व्यतीत करते हैं। हम अपने फुर्सत का अधिकांश समय संगठन में ही भुगतान करते हैं, खेलते एवं प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। हमें से अधिकांश लोग संगठन में ही मरेंगे और दफनाने में समय सबसे संगठन अर्थात राज्य की आज्ञा भी प्राप्त करनी पड़ेगी। आज विश्व के लोगों को जो जीवन स्तर उपलब्ध है तथा भौतिक सुख जो आज हमें प्राप्त है, वह सब कुछ संगठन की ही देन है। संगठन के कुशल संचालन के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति का स्तर तथा हमारी जनतांत्रिक जीवन कायम नहीं रह सकता। इसी प्रकार किसी एक सीमा तक संगठनात्मक विवेक तथा मानव कल्याण दोनों ही समृद्धि चलते हैं। अच्छा संगठन ही अच्छे प्रबंध की नींव है। एलन कहते हैं कि संगठन सुदृढ़ संगठन ही उपक्रम की सफलता को पूर्वक चलाने में महान योगदान दे सकता है। संगठन ही तो वह साधन है जिसके माध्यम से प्रबंध अपने अधीनस्थों, निर्देशों, नियंत्रण और समन्वय करता है। संक्षेप में अच्छे संगठन के बारे में हम निम्नलिखित महत्व जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रबंध क्षमता में वृद्धि, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। अच्छा एवं संतुलन संगठन प्रबंध की कार्यक्षमता में कई प्रकार से वृद्धि कर सकता है। इसके कार्यों के निष्पादन में लगने वाले समय में मितव्यता लाई जा सकती है, कार्यों के दोहरान को रोका जा सकता है तथा आपसी मतभेद समाप्त किए जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संगठन क्षमता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अधिकारों का प्रत्ययोजन में सुविधा, एक अच्छे संगठन में अधिकारों का प्रत्ययोजन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। संगठन चार्ट में अधिकारी को यह ज्ञात हो जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति उसके अधीनस्थ हैं तथा कौन से व्यक्ति किस कार्य को करने में विशिष्ट हैं। इसे अधिकारी आसानी से संबंधित व्यक्ति को संबंधित कार्य एवं अधिकार दे सकता है। तीसरा पॉइंट है संस्था के विकास और उन्नति में सहयोग। एक अच्छे संगठन का लाभ यह भी है कि यह संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायता देता है। जिसका अधिक विस्तृत संगठन होगा, उसमें विकास उन्नति के उतने ही अधिक अवसर होंगे। तकनीकी सुधार की अधिकतम प्रयोग। एक अच्छा संगठन की तकनीकी साधनों एवं सर्वाधिक अवसर प्रदान करता है। एलन के अनुसार नई तकनीकी विकास संगठन संरचना को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं तथा इन तत्वों को स्थान देने के लिए उत्कृष्ट प्रकाश के लिए संगठन प्रारूप की आवश्यकता है। मनुष्य के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन। संगठन संरचना संस्था के कार्य करने वाले लोगों के साथ साथ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है और एक मानव से दूसरे मानव के प्रति मानवीय व्यवहार करने के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सृजनशीलता को प्रोत्साहन। एलन के मत के अनुसार अच्छे संगठन में स्वतंत्र एवं सृजनशील विचार को जन्म होता है तथा लोगों में कार्य करने की पहल शक्ति आती है। इसका कारण यह है संगठन में लोगों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों से भली प्रकार अवगत करवा दिया जाता है तथा वे अनेक विधियों से अपने अधिकारों में रहकर उन कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। मनोबल में वृद्धि। अच्छा संगठन कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि करता है।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य और अधिकार निश्चित होने से उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है और मनोबल में वृद्धि होती है। उत्तरदायित्व एवं संबंधों की भली प्रकार व्याख्या हो जाने पर नीतियों और उद्देश्यों को भली प्रकार समझा जा सकता है। ये कर्मचारी के सहयोगी एवं सहयोग की भावना को तथा कार्य की इच्छा प्रदान करती हैं। कर्मचारी का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। आठवां पॉइंट है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। संगठन के आधार पर कार्य विशिष्टीकरण करके सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जा सकता है और विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को विशिष्ट कार्य दिया जा सकता है। इसे विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है समन्वय में सुविधा। विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप समन्वय में समस्या को जन्म होता है। संगठन संरचना में विभिन्न विभागों और उप विभागों कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य आपसी संबंध स्थापित होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है नियंत्रण में सुधार। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के कार्य क्षेत्र में निर्धारित के बाद उसके स्थान पर नियंत्रण और समस्या उपस्थित होती है तो ये समस्या अच्छे संगठन से आसानी से हल की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकुशलता में वृद्धि। निश्चित उद्देश्य कार्य दायित्व आपसी संबंधों में अधिकारों और कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे संपूर्ण संस्था की कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार की समाप्ति। एक अच्छा संगठन अपने कर्मचारी की परिश्रम निष्ठा और उच्च परिश्रम के गुणों वाला बनाने में सहयोग प्रदान करता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य व्यवस्थित ढंग से निर्धारित किए जाते हैं तथा उन्हें परिश्रम आदि भी उचित रूप से निश्चित दिया जाता है। संदेश वाहन की में सफलता। अच्छे संगठन संरचना में पूर्व निश्चित संबंधों को कारण संदेशों का आदान प्रदान सरल हो जाता है। संदेशों के आदान प्रदान के प्रबंध की व्यवस्था आसान हो जाती है। कर्मचारी के आगमन की कमी। एंड लास्ट पॉइंट है कर्मचारी के आगमन की कमी। संगठन संरचना में एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि अच्छे संगठन में कर्मचारी का आवागमन कम हो जाता है। निश्चित कार्य और उद्देश्यों की व्यक्तिगत मान्यता से प्रत्येक कर्मचारी खुश रहता है। अतः ऐसे कर्मचारी संगठन के सामान्यतः छोड़ता नहीं। कर्मचारी का आगमन में कमी मतलब कर्मचारी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब यह है संगठन के आज मैंने आपको महत्व क्या है जो मैंने बताया। एक संस्था के लिए एक प्रबंधक के लिए संगठन के महत्व बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रबंध क्षमता में वृद्धि, अधिकार प्रतियोजन, संस्था के विकास में उन्नति में सहायक, तकनीकी सुधार को अधिकतम उपयोग करना, मनुष्यों के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन करना और सृजनशीलता को प्रोत्साहन करना, मनोबल में वृद्धि करना, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन करना, समन्वय में सुविधा, कार्य क्षेत्र में स्पष्ट विशिष्टीकरण, नियंत्रण में सुविधा, कार्यकुशलता में वृद्धि, भ्रष्टाचार की समाप्ति, संदेश वाहन में सफलता, कर्मचारी के आवागमन में कमी। ये 15 पॉइंट मैंने आज आपको बताए जो एक संगठन के लिए महत्व संगठन के महत्व के मैंने आज आपको 15 पॉइंट बताए। संगठन अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हमारा घर परिवार भी बहुत अच्छे से चलता। उसी प्रकार संस्था में कर्मचारियों का संगठन एक अच्छे से बना रहे तो भी संस्था के लिए बहुत ही महत्व और लाभदायक रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।